हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग क्या होता है। यह सारे कोडिंग जो है वह हम करेंगे पाइचाम में, इसलिए हम चलते हैं पाइचाम की तरफ और उसे ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करती हूँ, ट्यूट सेवन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूट सेवन डॉट पाई के हमारी पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें हेलो वर्ल्ड का आउटपुट मिल चुका है। अब मानो कि मुझे विकिपीडिया का सारा आर्टिकल लिखना है और उसे 10 जगह यूज़ करना है, तो क्या मैं उसे 10 जगह प्रिंट करूँगी? नहीं, मैं 10 बार नहीं प्रिंट करूँगी, मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करूँगी। वेर वन इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट वेर वन। अब मैं इसे रन करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब हमारा हेलो वर्ड जो है वो वेरिएबल। अब मैं आपको वेरिएबल के बारे में और बातें बताती हूँ। हम यहाँ पे वेरिएबल टू इक्वल टू फोर, एंटर वेरिएबल थ्री इक्वल टू 36.7। पाइथन जो है इसको ऑटोमेटिकली टाइप दे देता है। अब हम मिलेंगे टाइप फंक्शन से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल वन में हमने जो हैलो वर्ड लिखा है यह एक स्ट्रिंग टाइप का वर्ड है। उसके बाद वेरिएबल फोर के आगे हमने जो फोर लिखा है वह एक इंटीजर नंबर है, इसलिए यह इंटीजर टाइप वेरिएबल है। और वेर थ्री के आगे हमने 36.7 जो लिखा है वह एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। तो चलो हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल का टाइप कैसे देखते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ टाइप वेर वन। अब मैं यह प्रोग्राम रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास स्ट्रिंग, मतलब हमारे वेरिएबल वन का जो क्लास है वह एक स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पे रुक करेंगे और फिर से यह प्रोग्राम रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वह हमें बता रहा है क्लास इंटीजर, मतलब हमारा जो वर टू में स्टोर है वह एक इंटीजर टाइप है। उसके बाद हम यहाँ पे वेर थ्री का टाइप देखेंगे। मैं यहाँ से यहाँ पे फिर से रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो वह हमें बता रहा है कि क्लास फ्लोट, इसका मतलब हमारा जो वेर थ्री में इंटीजर नंबर है वह एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें। तो मैं यहाँ यह निकाल देती हूँ और यहाँ पे वेर टू प्लस वेर थ्री कर रन कर देखती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट में 40.7 आया है। इसका मतलब उसने वेर टू और वेर थ्री की एडिशन की है। अब मैं यहाँ पे वेर वन प्लस वेर थ्री करूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यह एरर आएगी। इसका मतलब हमारा वेर वन जो है वह एक स्ट्रिंग टाइप है और वेर थ्री है वह एक नंबर है। आप यह देख सकते हैं कैन ओनली कॉन्क्रीट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल ऐड करती हूँ, वेर फोर इक्वल टू राम। अब मैं यहाँ पे वेर वन प्लस वेर फोर प्रिंट करके देखती हूँ और मैं यह प्रोग्राम रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
हेलो वर्ल्ड राम प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब दो स्ट्रिंग को यहाँ पे मिलाया गया है, क्योंकि दो तरह की स्ट्रिंग को जब ऐड किया जाता है तब वो कॉन्केटिनेट हो जाती है। अब मैं वर्ब फोर की जगह 32 लिखती हूँ और वर्ब वन में हेलो वर्ल्ड की जगह 54 लिखती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 54 एंड 32। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर यहाँ पे 86 क्यों नहीं आया, क्योंकि वर्ब वन और वर्ब फोर दोनों भी हमारे स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग हम जब मिलाते हैं तब वह कॉन्केटिनेट हो जाती है। तो ऐसा कोई तरीका है जिसे हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ है, ऐसे उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो चलो हम देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। अब मुझे इन दो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट वर वन और इंट वर फोर। अब मैं यह प्रोग्राम रन करूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे आउटपुट में 86 मिला है। इसका मतलब उसने दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट फंक्शन लगाकर टाइप कास्ट कर दिया। तो हमारे पास फंक्शन होते हैं, मैं कमेंट लगा तो मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करती हूँ और बताती हूँ। हमारे पास फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन, एक होता है इंट फंक्शन और एक होता है फ्लोट फंक्शन। इन तीन फंक्शन के जरिए आप कौन से भी वेरिएबल को स्विच कर सकते हैं। अगर आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है आप उसे 10 बार प्रिंट कर सकते हैं, या उसे 10 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करती हूँ, इसे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ और मैं उसे रन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारा हेलो वर्ड जो है वह 10 बार यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक स्लैशन लगा देती हूँ। स्लैशन हमने पिछली वीडियो में देखा था, स्लैशन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब हेलो वर्ड के बाद एक न्यू लाइन आएगी। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट हो चुका है। आप ये हेलो वर्ड 10 बार ही क्या, 100 बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैं फिर से इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड हमें 100 बार आ चुका है। अब मैं इस इंटीजर को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 5432। हम रन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो आया है 5432। इसका मतलब है इस 100 ने इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है 5400 और 32 को ऐड किया है, इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है 5432। लेकिन मुझे ये 100 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँगी और इसे रन कर देखती हूँ। हमारा 86 जो है वो 100 बार प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 86 86 86, हमारे आउटपुट में 100 बार 86 प्रिंट होकर आ चुका है।
तो इस तरह जो है वो हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं।